माँ बाप और संतान, इन दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे बैठे, आज के दौर में एक बड़ी समस्या है। पिता जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, अपने जीवन की सारी कमाई खर्च करके अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दी, उसे काबिल बनने में अपना अहम योगदान दिया, वही संतान अपने माँ बाप के साथ बात करने में बहुत रुचि नहीं लेता। जानते हैं क्यों? अभिभावक जन अपनी मान्यताएं अपने पुत्रों पर इस तरह थोपते हैं कि वो चिढ़ जाते हैं, वो इरिटेट हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि कम से कम साथ अपने अभिभावक के रहना पड़े। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी, इनके बीच में तालमेल कैसे बने? हम सब जानते हैं कि जो परवरिश होती है हमारी, उसके आसपास का जो परिस्थिति वातावरण होता है, उसका व्यक्तित्व के विकास पर बहुत गहरा असर होता है। तो आज की समस्या क्या है? पुत्र अपने आप को बहुत समझदार समझ रहा है, बहुत पढ़ा लिखा समझ रहा है, माँ बाप के बारे में उसकी धारणा है कि ये उतना नहीं समझते जितना आज के दौर में हम समझते हैं। बस यही वजह है कि दोनों के बीच में तनाव है। पिता को लगता है कि मेरी जो समझ है उसके हिसाब से पुत्र को जीना चाहिए, पुत्र का जीवन वैसे ढलना चाहिए, और पुत्र को लगता नहीं, आज के दौर में जैसे हम सोच रहे हैं वही समझ सही है। ये बात ध्यान रहे कि अपने सपनों को अपने बच्चों पर मत थोपिए। आप चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करे, आपको समय दे, आपके पास बैठे, उसकी रुचियां क्या है इस बारे में विचार करिए और उसी दिशा में उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। यदि आप उसको समय देंगे, उसकी रुचि के बारे में विचार करेंगे, बात करेंगे उससे, तो यकीन मानिए वो आपके साथ बात करना पसंद करेगा। लेकिन हम अभिभावक लोग, कुछ लोग इतने सख्त होते हैं कि वो उनका टेरर होता है घर के अंदर, और कुछ लोग इतने सॉफ्ट होते हैं कि वो बच्चा अपने बाप को फ्रेंड मान लेता है। ये दोनों बहुत हानिकारक हैं। बीच का रास्ता सही होता है। प्यार करना है तो प्यार कीजिए, लेकिन जब वो गलती करते तो उनको दंड भी देने की आवश्यकता है। प्यार कर करके उनको बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। उनकी हर ज़रूरतें पूरी करिए, लेकिन जो ज़रूरत नहीं है उन तमाम चीज़ों को उनको देंगे तो यकीन मानिए वो आगे चल के बिगड़ेंगे। अभिभावक लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि यदि आप अच्छे संतान की कामना करते हैं तो अपने घर के छोटे बच्चों को शुरू से ही अनुशासन में रखना शुरू करिए। जो भी चीज़ दीजिए सोच विचार की दीजिए, उनके ज़िद के आगे मजबूर मत होइए, क्योंकि अगर बचपन में उनके ज़िद के सामने मजबूर हो गए आप, तो बड़े होने पर भी आपको मजबूर ही होना पड़ेगा। आप कुछ नहीं कर सकते, आपका अपना बच्चा आपको बार बार मजबूर करता रहेगा छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो इसलिए अगर शुरू शुरू में उनको आप ठीक तरीके से रखने का अभ्यास दे देंगे तो आगे चल के भी वो सही तरीके से रहेंगे। अब 18 साल 20 साल की उम्र में आप सोचेंगे कि आपके हिसाब से वो ढले, कभी नहीं ढलेगा। इसलिए ज़रूरी कि बचपन से उसको अनुशासित रखा जाए, संस्कार दिया जाए, तभी जा कर के वो आगे आपके लिए सुखदायी बना रहेगा।